नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक्सर में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपनी पॉलिटी की जो क्विज स्टार्ट किए हैं उसमें आज उसकी दूसरी वीडियो है और इसमें हम पूरा पॉलिटी डिस्कस कर देंगे। अभी तक CHSL के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं CGL CHSL में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। पार्ट वन में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने की अनुशंसा अनिवार्य है। मतलब कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसी अनुशंसा अनिवार्य है। मतलब किसकी अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। देखिए, ये संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा पर लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा पर लगता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया से लगेगा। तो जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में बताई गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रभावी होने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रस्ताव को एक सदन के 2/3 बहुमत प्राप्त सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, और यह तभी पारित किया जाता है जब प्रारंभिक सदन को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो किस बहुमत से लगता है, तो 2/3 बहुमत से लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो देखिए, भारत के संविधान में जो है वो 5 प्रकार के न्याय की वर्णन किया गया है। ठीक, तो 5 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। ये जब हम पॉलिटी विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि 5 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है। तो जैसे अगर हम देखें तो देख लीजिए कि 5 प्रकार का जो न्याय होता है, रिट होती है, जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार परीक्षा। ये बंदी गृह है कि जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार परीक्षा। फिर अगला है कि भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम बता दें आपको कि भाग 1 हमारा जो है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इसी तरह जो है, तो जो हमारे टोटल भाग हैं 22 भाग हैं और कहीं कहीं जो है 25 मिलता है। तो अब 25 पे टिक करेंगे हम, अगर 25 रहेगा तो 25 पे, नहीं तो 22 पे। तो जो भाग 3 है वो हमारा मूल अधिकार है, भाग 2 जो है वो नागरिकता है, और भाग 1 जो है वो हमारा संघ है, और भाग 4 जो है वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जैसे आइए देखते हैं कि भाग 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद भाग 4(1) वो हमारे हैं मौलिक कर्तव्य, फिर भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, और भाग 7 हमारा संघ राज्य संबंध, भाग 8 द यूनियन टेरिटरी, फिर भाग 9 पंचायत, भाग 9(a) द मतलब कि म्यूनसिपालिटीज, कार्यपालिका जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये उसी तरह जो है सारा है, इसको जब हम विस्तार में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। फिर देखिए, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिकार परीक्षक मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई भी गिरफ्तार करने आता है तो वो किस अधिकार से गिरफ्तार कर रहा है, वारंट जिसको बोलते हैं, तो उसे कहते हैं हम अधिकार परीक्षा। फिर भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आयरलैंड से लिया गया है। वहीं अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से संप्रभुता अद्वैत सिद्धांत दिए, मतलब किसने जो है संप्रभुता का सिद्धांत दिया। तो ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष
तो देखिए, भारत राज्य का जो कार्यपाल अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ कौन दिलाता है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति पद है इसके लिए जो है शपथ, जैसे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज रहता है वो राष्ट्रपति को वो शपथ दिलाता है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठन हैं। तो भारतीय संसद में तीन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों जो है हमारे किसके सदस्य हैं, भारतीय संसद के सदस्य हैं। तो हमारा 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं आगे चलें तो निम्नलिखित में से किसके पास सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तो जो हमारा तीनों सेनाएं हैं वो किसके अंडर में काम करती हैं, भारत के राष्ट्रपति के अंडर में काम करती हैं। फिर वहीं देखें तो जो हमारा दल बदल कानून है, दल बदल का मतलब देखिए, दस 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 में दस द है और द से दल बदल कानून है। तो जो हमारा दल बदल कानून है वो किस अनुसूची के अंतर्गत है, वो हमारी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। फिर वहीं उत्प्रेषण या उत्प्रेषण, देखिए उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, उत्प्रेषणादेश का मतलब होता है प्रमाणित करना और उत्प्रेषण का मतलब होता है जानकारी देना। आगे देखें, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, राज्य का जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो उसे अभी जल्द में ही राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, किसको, रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई जो कि पहले CJI थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको जो है राज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया। और किसने नियुक्त किया, भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। तो देखिए, अनुच्छेद 352 में हमारा आपातकाल है। ठीक, तो तीन प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक, 352, 352, 356 और 360। ठीक, तो तीन प्रकार के हमारे आपातकाल हैं। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है, ना तो हमारा लोकसभा का सदस्य होता है, ना तो हमारा राज्यसभा का सदस्य होता है। फिर भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। देखिए, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। तो देखिए, जो हमारा भाग 4A है, ठीक, 4A क्या है हमारा, नीति मौलिक कर्तव्य है। तो वो हमारा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। इसमें ये होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, गलत दे दिया गया है। फिर आगे देखिए, भारत में राज्य का राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए, जो भारत में राज्य का राज्यपाल बनता है वो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अभी हमने बताया कि हमारा जो आपातकाल है वो 352, 356 और 360, तीन आपातकाल हमारे हैं। फिर वहीं अगला क्वेश्चन देखें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है। तो संवैधानिक आपातकाल जो है वो 356 है, यानी कि जब कोई किसी राज्य का राज्यपाल ये लिख के दे दे कि हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर आपातकाल लागू कर देता है। किसके अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 संवैधानिक आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल। वहीं आगे देखें, ऊपरी सदन या राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और इसका आधार क्या है, तो क्लास लिख लीजिए, इसमें सी साइलेंट है। यल का मतलब लिटरेचर, साहित्य, कला और समाज, मतलब कि सोशल, मतलब सामाजिक और विज्ञान। तो इन क्षेत्रों में जो हमारे निपुण रहते हैं वही जो है राष्ट्रपति उन्हीं को मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। फिर निम्नलिखित संशोधनों में किस
किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो जो पहला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो मतलब कि जिसमें जो हमारी जो है प्रस्तावना थी, तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया था वही हमारा लघु संविधान कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो देखिए, स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि भाग 3 में बताया गया है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य में हमारे क्या क्या हैं? मौलिक कर्तव्य में हमारे हैं कि जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सही है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये भी सही है, सद्भावना को बढ़ावा देना, ये भी सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये हमारा मूल अधिकार में है, तो इसीलिए ये हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो देखिए, 5 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है। फिर अगला कुछ क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वैधता कितने महीनों तक होती है? तो देखिए, खाते पर जो वैधता होती है वो हमारी 2 महीने तक होती है, कब? संसदीय प्रणाली में। फिर आगे है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? इसको हमने बताया कि 360 के अंतर्गत। फिर भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों के लिए होती है? ये भी क्वेश्चन जो मैंने देखा वो क्लियर नहीं था वहाँ पे, तो ये है 2 महीने के लिए वैलिड होती है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य का मतलब कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं, सुनिए, संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकदम सही है, एकता तथा भाईचारा को बढ़ावा देना, एकदम सही है, प्रभुत्व की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, सही है, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना, ये गलत है, ये जो है हमारा मूल अधिकार में इसका वर्णन है, तो जो 35 का सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। फिर वहीं आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, हाँ सही है, तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? तो देखिए, जो हमारा 15वां संशोधन था, 15वें संशोधन में इस बात को बताया गया कि जो हमारे न्यायाधीश हैं उनकी आयु रिटायरमेंट जो होगी वो 60 के बजाय 62 ईयर में होगी। फिर वहीं अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार कौन करेगा? तो किस आधार पे किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा अपीली क्षेत्राधिकार है इसी के अंतर्गत हमारा इन दोनों मुद्दों पर बहस होती है। फिर पंजाब में कुल कितनी जो है सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन की, संसदीय सीटें हैं? तो जो हमारा पंजाब है, पंजाब में 7 निर्वाचन सीट है, संसदीय सीट। फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस आधार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? तो देखिए, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारा, अनुच्छेद 32 जो है उसी में जो है इसका वर्णन किया गया है, उसी के आधार पर जो है हम न्यायालय में जा सकते हैं। फिर भारतीय संविधान सभा वर्ष कितने में गठित हुई थी? जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हमारा 1946 में हुआ था। फिर वहीं अगला देखें कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालत में सुनवाई करना जरूरी नहीं है, तो वो कौन सा है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी मामले होंगे उसके लिए हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी पूरा जो है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक, धन्यवाद, ये वीडियो लगातार ऐसे ही चलती रहेगी।